ये तो आप सब जानते ही हैं कि 2 जून को सिनेमाघर में विक्की कौशल और सारा अली खान की मूवी जरा हटके जरा बचके मूवी सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी। आज इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज़ हुए 27वां दिन चल रहा है, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 27 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और इस मूवी का बजट क्या था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हिट साबित हुई या फ्लॉप। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। जरा हटके जरा बचके मूवी में विकी कौशल और सारा अली खान लीड रोल में देखने को मिले थे। अगर बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 5 करोड़ 50 लाख यूनिट कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 10 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 10 दिनों में इंडिया से 54 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 66 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट है 40 करोड़। ये एक कपल की मूवी थी जिसमें दिखाया जाता है ये कपल है जो अपने लिए अलग घर खरीदना चाहता है, उसे अलग घर खरीदने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। अगर बात करें इस मूवी के पहले 25 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 25 दिनों में इंडिया से 81 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 25 दिनों में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। अगर ओवरऑल बात करें तो जरा हटके जरा बचके मूवी एक फैमिली एंटरटेन एंड लव स्टोरी मूवी है। आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अगर बात करें इसकी 26वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने अपने 26वें दिन 1 करोड़। अगर बात करें आज की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी मतलब आज अपने 27वें दिन 90 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। इस तरह जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 27 दिनों में इंडिया से 82 करोड़ 91 लाख की नोट कलेक्शन कर ली है। इस तरह जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 27 दिनों में वर्ल्ड वाइड 102 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। ये 2023 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की 5वीं मूवी है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।